स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उत्सुकता पैदा हुई कि इतने बड़े गणपति और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रदूषण ना हो तो मेरे मन में खुद उत्सुकता पैदा हुई और यहाँ आके खासतौर से ये देख के कि हमारे भाई डॉक्टर सतपाल सिंह जी पहले से मौजूद हैं, उन्होंने बताया था, तो और भी ज़्यादा है मुझे खुशी। मैं ऐसे देखता हूँ पूरी चीज को भारतीय संस्कृति की विशेषता, दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं वो परिभाषित होती हैं या तो आपकी त्वचा का रंग क्या है या आप क्या भाषा बोलते हैं या आप किस आस्था परंपरा से आपका संबंध है। भारत में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रंग का व्यक्ति मिलेगा आपको, अनेकों अनेक भाषाएं कम भी अगर हो तो बोलियां तो अनेकों अनेक हैं। अभी मैं 3 दिन पहले सुन रहा था डॉक्टर देवी गणेश 26,000 बोलियां बता रहे थे। आस्था परंपरा का हाल ये है हमारे यहाँ कि एक ही घर एक ही माँ बाप से पैदा दो भाई एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है एक गणेश जी के मंदिर में जाता है, बहने एक सोमवार को व्रत रखती है एक शनिवार को व्रत रखती है। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं है कि आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाए इस पे कोई मन मुटाव पैदा हो, इसकी कोई कल्पना ही। आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेवा नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति, उसको चाहे जिस नाम से याद कर लीजिए। बल्कि और इससे आगे बढ़ के कहा गया कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवाना इति शब्दायते, ये तो केवल शब्द है और जो इसका हमारे यहां कहा गया है कि ये जो हम ग्रह कहते हैं परमात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं ये तो अनुभव का मामला है, रियलाइजेशन का मामला है और जिसको इसका रियलाइजेशन अनुभव हो जाता है वो तो ऐसे हो जाता है जैसे बुक्के को क्या कहते हैं जो बोल न सके जब क्या कहते हैं बना जो बोल नहीं सकता वो तो वो अगर आप एक भूख व्यक्ति को खीर खिला दीजिए और उससे पूछे कि इसका पता कैसा है तो क्या होता है उसके उसके चेहरे पे उसकी जो मिठास है उसका भाव उसके चेहरे का वो बोल नहीं पा रहा या तो वाचो निवर्तन थे या प्राप्य शब्द गौने हो जाते। मैं आपको सच कह रहा हूँ यहाँ आके मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शब्दों में इसको व्यक्त किया है और जिस भारतीय संस्कृति के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 5 प्रण उसमें एक प्रण है अपनी संस्कृति की जानकारी पैदा करिए, संस्कृति पर गर्व की अनुभूति करिए और हर कारण है कि हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि अगर वो संस्कृति के मूल्य हमारे जीवन में आ गए तो पूरी दुनिया अनुकरण करेगी, पूरी दुनिया में लोग भेदभाव करते हैं
आत्मा से परिभाषित होती है, और ये आत्मा केवल इंसानों में नहीं, भारतीय संस्कृति ने आत्मा जानवरों में भी देखी थी, पेड़ पौधों में देखी थी, चिड़िया में देखी थी। कोई आपसे अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से आत्मा के बंधन से हम सब जुड़े हुए हैं, और इस जुड़े होने का परिणाम क्या है, अब हम यहाँ गणपति की मूर्ति के सामने बैठे हैं, तो मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत कॉमन है, लेकिन पहली लाइन आमतौर से लोग बोलते हैं, दूसरी लाइन नहीं बोलते। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वे स्वदेशो भुवन किरणियम, ये भारतीय संस्कृति है। हर कोई आई एम ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग ह्यूमन इज एलियन टू मी, मैं मानव हूं, और मानव का कहीं आत्मा के बंधन का अभिप्राय ही ये है कि जहां मैं दूसरे के रूप में दुखी और दूसरे के सुख में सुख की अनुभूति महसूस कर सकूं, तो ये हमारी संस्कृति का बड़ा प्रतीक है। जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ऐसे समय में जब देश बड़ी भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये इस उत्सव का सबसे पहला आयोजन अपनी माँ के कहने से किया है, लेकिन शायद कुछ समय बीतने के बाद उससे भी ज्यादा भीषण परिस्थितियां पैदा जहां इस रोक लग गई, और फिर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता लोकमान्य ने इस उत्सव को इस परंपरा को पुनर्जीवित किया मुझे, और आज ये केवल महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन शुरू से तेलंगाना और तमिलनाडु में भी शुरू से होता, लेकिन अब नीचे अन्य राज्यों में ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, और केरला का तो मैं आपको कहूँगा कि केरला में बड़े जोर से होता है, बहुत जोर से, मतलब ये नहीं है पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत जोर से इस उत्सव को मनाते हैं, और मैं ये कह पाए हैं कि केरला में गणपति मंदिरों के बाहर बड़ी गलती भीड़ है कि दर्शन, तो आपने मुझे आमंत्रित किया और इस पुनीत कार्य में मुझे भी सम्मिलित किया, तो आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके आयोजकों को धन्यवाद, पुजारी की जिन्होंने पूजा कराई, क्या नाम कृष्ण कुमार जी, उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे कलाकार पुणे के रहने वाले, क्या नाम मूर्तिकार जो हैं, क्या शानदार उनकी कितनी प्रशंसा करो वो हमें, और उससे और मैंने पहले कहा फिर दोहरा रहा हूँ कि डॉक्टर सतपाल सिंह जी आपके यहाँ पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, महाराष्ट्र की सेवा की है उन्होंने पूरे जमाने में, वो उससे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे और भी बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और ये उम्मीद आशा करता हूँ कि जिस तरह आपने अपनी आस्था भी व्यक्त की है और साथ में इसका ध्यान रखा है कि हमारी आस्था के कारण किसी को कोई असुविधा ना हो, पर्यावरण ना खराब हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप का केवल ये भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आप उत्प्रेरक हैं, आप उत्प्रेरक हैं, और इसके बारे में यहाँ मुझे लग रहा है बहुत मीडिया के लोग हैं, उनके जरिए जब ये बात जाएगी तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि वो इस तरह अपनी
श्रद्धा को अभिव्यक्त करें, लेकिन इसी पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, कोई असुविधा हो, तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग का संस्था बंधु बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गणा नाम गणपति, जो सारी दुनिया का मालिक है उसका नाम गणपति है। एक हमारे गणेश जी है, एक ऐतिहासिक पुरुष हुए, भगवान शिव के वो पुत्र थे, उनके बड़े भाई कार्तिकेय थे, एक वो गणेश जी हैं। गणेश जी का जो प्रतीक है, सब लोगों को मालूम है कि गणपति की पूजा सबसे पहले हर एक मंगल कार्य में की जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गणपति जो हमारा ओम का चिन्ह है उसका एक प्रतीक है। जिन लोगों को मालूम है कि ओम को कैसे लिखा जाता है, ये ओम उसी के, ये गणपति उसी के चिन्हों को बनाया गया। भगवान का जितने भगवान के जो है सैकड़ों हजारों नाम है, लेकिन सबसे प्रमुख जो नाम है, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, उसका नाम ओम है। क्योंकि ओम जो है केवल हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में नहीं, दुनिया के जितने धर्म हैं, जितने मत संप्रदाय हैं, सब में ओम का नाम है। बौद्धों में, जैन में तो ओम है, हम लोग जो है क्रिश्चियन में अमीन बोलते हैं। ओम का भी एक प्रकार का एक प्रति अलग रूप है। मुसलमानों में, इस्लाम में आमीन बन जाता है, तो ओम अमीन आमीन तो ओम ही है। इसलिए हम सबसे पहले पूजा अगर किसी करते हैं तो ओम की करते हैं। जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि ओ गणपति, तो उसका एक दूसरा है, अगर अच्छा लीडर बनना है, आदर्श नेता बनना है, आदर्श राजा बनना है, तो हमारे पूर्वजों ने ये गणपति की मूर्ति बनाई। इसका प्रत्येक चीज में एक बहुत बड़ा संदेश है। उसके ऊपर जो हाथी का सिर लगा दिया कि लीडर की, राजा की जो मेमोरी होना चाहिए, जिसको बोले एलिफेंटाइन मेमोरी, हाथी जैसे मेमोरी होना चाहिए। कान बहुत बड़े हैं, आंखें हमेशा खुली हुई हैं, आंखें हमेशा, जो राजा और जो लीडर है उसकी आंखें हमेशा खुली होना चाहिए। लेकिन बहुत बातें आंखें जो है दिन में तो देखती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं देख सकती, रात को तो देख नहीं, अंधेरे में देख नहीं सकती। जब आंखें कम काम कम करती हैं, वहाँ कान इतने बड़े रखो कि सब बातें सुनाई दे। एक कई बार ऐसा होता है, न आंख काम करती है, न कान काम करते हैं, ऐसे कई बार होता है जीवन में। अगर हमारा नाक बहुत मजबूत है तो स्मेल आ जाती है कि क्या हो रहा है, कहीं सुगंध आती है, कहीं स्मेल दूसरी तरह की आती है। तो राजा और लीडर ऐसा होना चाहिए, उसको बहुत बातों की गंध आ जाना चाहिए, देख भी नहीं सुने लेकिन गंध आ जाना चाहिए। इसलिए उसका नाक जो है गणपति का बहुत बड़ा बना है। पेट थोड़ा बड़ा बनाते हैं, पेट इसलिए बड़ा बनाते हैं कि पेट का एक काम है, और काम ये है कि जिस अंग को, शरीर के जिस अंग को जितना ज़रा जरूरत है रक्त की, उसकी उतना ही देता है। मस्तिष्क को ज़्यादा है तो मस्तिष्क को ज़्यादा देता है, हाथ को, तो उसका काम यह है कि सबको जो है जिसकी जो आवश्यकता है, राजा का लीडर का काम है जिसको जो आवश्यकता है इतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना। उसका ये जो, उसका जो है को बताते हैं चूहा जो है मूसक, उसका क्या बना दिया है, उसका सवारी है, उसका वाहन है,
वाहन का मतलब ये नहीं कि गणपति उसके ऊपर बैठता है। बहुत लोगों में बड़ी वो है, कंफ्यूजन है, अरे शक है, जिसका मतलब नहीं। हमारे शास्त्रों में लिखा है ध्वजो ही वाहन है, ध्वजो ही वाहन है, ध्वज ही वाहन है। इसका मतलब जो है गणपति जो है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं जरूर बताऊंगा, पंडित दामोदर सातवलेकर ने, पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने किताब लिखी आज से लगभग 80-90 साल पहले गणेश जी के नाम से। गणेश जी एक बहुत बड़े महारथी थे, बहुत बड़े वीर थे, बहुत बहादुर थे। तो उनका जो था जो ध्वज, जैसे आज भी चलता है महाभारत के ज़माने में देखता है कि ध्वज जो है जो चलते थे, अर्जुन चलता है, कृष्ण चलता है, अलग अलग सबका ध्वज, ध्वज के ऊपर एक निशान बना रहता है। तो उनका जो है ध्वज, जैसे मैंने कहा ध्वज का, ध्वज को ही वाहन कहते हैं। इसलिए गणपति जो है हमारा जो गणेश जी था उनका जो वाहन वो ध्वज जो था वो मूषक का था, इसलिए उसको बनाते हैं। तो जो बहुत बात सीखने के लिए है, मैं तो अरुण कुमार शर्मा जी का जो है अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति बनाया। आज समाज को, सारे देश या दुनिया को, हम समाज जितना ज़्यादा हम प्रकृति के साथ में रहेंगे, जितने ज़्यादा नेचर की गोदी में रहेंगे, उतने ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, उतने ज़्यादा हम जो है सुखी रहेंगे। और इसलिए आज सारी दुनिया के, इसको हम यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेन डेवलपमेंट वो तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ रहना सीखें। और इसलिए एक संदेश जाना चाहिए इस गणपति से, इको फ्रेंडली गणपति से एक संदेश जाना चाहिए, न केवल मुंबई में जाना चाहिए, सारे देश और दुनिया के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि जो है हमको जो इको फ्रेंडली जो है प्रकृति के साथ मिलकर के रहना है। जैसे छोटे बच्चे को अपनी माँ की गोदी में जाकर सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, ऐसे ही जितना ज़्यादा हम प्रकृति की गोदी में रहेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, उतने ज़्यादा हम सुखी रहेंगे। ये सबसे बड़ा जो है संदेश इस गणपति का जाता है। इसलिए मैं पुनः अरुण कुमार जी का, आपके सभी साथियों का, आपके संगठन का, सबका अभिनंदन करते हुए मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।